दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल का बटन जरूर प्रेस करेगा ताकि हमारे जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। दोस्तों अगर आप एक वी आई यूज़र है, अगर आप वोडाफोन की सिम यूज़ करते और अगर आपको फेक कॉल्स या फिर प्रमोशनल SMS आ रहे हैं, तो आप इस प्रॉब्लम को किस तरह से VI में सॉल्व करेंगे? कुछ लोगों को फेक कॉल्स और SMS बहुत ही कम आते होंगे, एक दो बार होते होंगे, तो कुछ लोगों को फेक कॉल्स या फिर SMS बहुत ही ज़्यादा आते होंगे। अब मैं आपको क्लियर कर दूँ कि ये प्रॉब्लम हमें एयरटेल, जियो, BSNL में भी देखने मिलती है, लेकिन आज हम VI के बारे में बात करेंगे कि हम इस प्रॉब्लम को VI में किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंशुल और आप देख रहे हैं टेक्निकल माय मोबाइल। तो चलिए सो हम जानते हैं कि किस तरह से हम VI में जो फेक कॉल्स और SMS है उसे रोक सकते हैं। तो सबसे पहले हमें हमारे मोबाइल का प्ले स्टोर ओपन करना है और जो VI एप्लीकेशन है उसे इंस्टॉल कर लेना है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब मेरे मोबाइल में जो VI एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल हो चुका है, इसे हमें ओपन करना है। जैसे हम ओपन करेंगे तो हमें मोबाइल नंबर और OTP के साथ VI के अंदर लॉगिन करना है। कुछ परमिशन रहेगी जिसे हमें अलाउ करना है। फिर नीचे हमें राइट साइड में देखने मिलेगा मेनू का ऑप्शन, इस पर हमें क्लिक करना है। फिर हमें टॉप लेफ्ट साइड में देखने मिलेगा माय अकाउंट, इस पर हमें क्लिक करना है और फिर हमें स्क्रॉल करना है। जैसे हम स्क्रॉल करेंगे तो हमें देखने मिलेगा डू नॉट डिस्टर्ब, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में DND भी बोलते हैं, इस पर हमें क्लिक करना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ 3 DND का ऑप्शन देखने मिलेगा। एक है फुल DND, दूसरा है ब्लॉक प्रमोशंस और तीसरा है पार्शल DND। अब फुल DND का मतलब ये होता है कि हम सर्विस कम्युनिकेशन और जो प्रमोशनल जो कॉल्स होते हैं या फिर SMS होते हैं उसे हम टोटली ब्लॉक कर सकते हैं, हमारे ट्रांजेक्शनल कम्युनिकेशन को छोड़ के, यानी कि जो हम बैंक इनकेस कभी विड्रॉ करते हैं या फिर डेबिट करते क्रेडिट करते तो उसका मैसेज तो हमें आएगा, लेकिन जो अदर मैसेजेस है जो कि फेक मैसेज है, फेक कॉल्स है, वो सब नहीं आएगी। फिर हमें देखने मिलेगा ब्लॉक प्रमोशंस, इसका मतलब है कि हमारे मोबाइल में जो प्रमोशनल कम्युनिकेशन है वो ब्लॉक हो जाएगी, जो फेक कॉल्स और SMS है वो ब्लॉक हो जाएगी और जो ट्रांजेक्शनल यानी कि बैंक के कॉल्स या फिर SMS है वो आएगी, वो हमें रिसीव होगी। और जो पार्सल DND है उसके अंदर हम चूज़ कर सकते हैं कि हमें किसके किसके कॉल आने चाहिए और किसके नहीं आने चाहिए। यहाँ हमें कैटेगरीज भी दिया है, नीचे मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन का भी कैटेगरी दिया हुआ है और जो डेज है उसका भी कैटेगरी दिया है और टाइम बैंड का भी दिया है कि कितने बजे से कितने बजे तक में कॉल आना चाहिए और उसके बाद नहीं आएगा कॉल। तो यहाँ मेरे चॉइस के हिसाब से मैं सेलेक्ट कर देता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं। अगर आपको एजुकेशन के रिलेटेड कॉल आ रहा है तो आपको जो एजुकेशन है उसे अनेबल कर देना है, जिससे कि जो एजुकेशन की वो आना बंद हो जाएगी, जो फेक कॉल्स होते हैं वो आएगी ही नहीं हमारे मोबाइल में। फिर नीचे हमें मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन देखने मिलेगा, यानी कि वॉइस कॉल, SMS, ऑटो डायलर कॉल प्री रिकॉर्डेड या फिर रोबो कॉल, तो हमें इन सभी को सिलेक्ट कर लेना है जिससे कि जो फेक कॉल्स है वो टोटली बंद हो जाए। अब मैं आपको जो दूसरा ऑप्शन है वो भी बता देता हूँ कि हम DND को बहुत ही फास्ट तरीके से इमिजिएटली बंद कर सकते हैं। उसके लिए हमें हमारे VI सिम से 198 पर कॉल लगाना है और जो कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव है उनसे बात करना है कि ये प्रॉब्लम हमें फेस करने मिल रही है VI सिम में, तो वो हमें हमारे मोबाइल नंबर पर एक लिंक सेंड करेंगे। जैसे हम उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो ये वाला इंटरफेस जो है वो क्रोम ब्राउज़र पर रिडायरेक्ट हो जाएगा। और जैसे कि मैंने आपको अभी जो कैटेगरीज बताई है, जो जो हमें कैटेगरी सिलेक्ट करना है, जो कैटेगरी वाइज हमें कॉल, उन सभी को सिलेक्ट करके सबमिट कर देना है, जैसे कि आप देख सकते हैं। फिर हमें कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने मिलेगा, तो हमें इसे प्रोसीड कर देना है, जिससे कि 24 आवर्स यानी कि 24 घंटे के बाद जो DND है वो अनेबल हो जाएगा और जो फेक कॉल्स और SMS है वो आना बंद हो जाएगी। जो हमने रिक्वेस्ट है वो रेज करवा दी है, इसका चाहिए तो हम स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जिससे कि जिसका रिक्वेस्ट नंबर है वो हमारे पास रहे। SMS भी आ जाएगा हमारे मोबाइल पे कि यही नंबर पे हमने जो DND है वो अनेबल करवा दी है। ये सब कैटेगरीज हमने सेलेक्ट की थी। तो इस तरह से VI सिम में हम फेक कॉल्स और SMS को स्टॉप कर सकते हैं, रोक सकते हैं। आइए दोस्तों, आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ हो।